দুই হাজার কোড়িয়ে মশা যে অনেক আশা ও অনেক আকাঙ্ক্ষা যুবপি মধ্যে অনেক পরবর্তন সেইটি অনেক লোক অনেক যুবক যে রোজগার পাই অনেক দেশ কুবর্তন করছেন নিজ দেশর অন্য দেশ যাও রাজ্যের পরবর্তন হচ্ছে সেটি আজ আলোচনা করবে শ্রী মনীষ কুমার যে ব্যাক টু ভিলেজর কো ফাউন্ডর অনেক অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এ ভিপি যার রাষ্ট্রীয় অধিবেশন নাগপুরে হওয়া দেশের

हर्ष का विषय है लेकिन उससे भी कहीं अधिक एक आपकी आपका जो उत्तरदायित्व है वो भी बढ़ जाता है लोगों का आपसे एक लोगों की आकांक्षाएँ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ वो भी चीज़ है और ये अवार्ड मेरे लिए इसलिए भी विशेष है कि एक अवार्ड से कहीं अधिक बढ़कर व्यक्तिगत तो रूप से एक आशीर्वाद की तरह मेरे लिए है कितने लोगों का इतने बड़े लोगों का एक सम्मान है और जिन इस अवार्ड बहुत कम ऐसे अवार्ड हैं जिसमें किसी का नाम जुड़ा होता है तो ये जो नाम जुड़ा हुआ है प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी का तो इसलिए भी एक बोझ जो आपके ऊपर आ जाता है कि अब आपको आगे इस नाम का भी एक इसकी मर्यादा रखनी है तो एक, एक बहुत ही हर्ष का विषय हमारे लिए मनीष जी आप आईआईटी से पास आउट हैं अभी आप बैक टू विलेजर की को फाउंडर भी हैं तो आपका ये सफ़र एक साधारण युवा से एक बैक टू विलेजर की को फाउंडर ये कैसा रहा बढ़िया है अच्छा है मतलब आ, हमेशा से बचपन से एक था कि आ, लाइफ जो है जीवन है उसको आ, मतलब एक जिसको बोलते हैं इंजॉय करना आनंद लेना जीवन का एक उद्देश्य एक ही जीवन मिला है पुनर्जन्म जो होता है वो पता नहीं है नहीं है देखा नहीं उसको तो इस जीवन में वही करें जिसकी इच्छा हो जिसमें आपको मज़ा आता हो जो आपको आनंद देता हो जो काम तो लोगों के साथ रह के लोगों के बीच में रह के काम करने में बचपन से मज़ा आया है और ये एक एक ऐसा जगह है बैक टू विलेज या किसानों के साथ काम करना जहाँ पे हम सीधे किसानों के साथ बैठते हैं उठते हैं उनके समस्याओं को सुनते हैं और सभी जगह हम समाधान नहीं कर पाते हैं हमको ईमानदारी से ये बात स्वीकार करनी चाहिए लेकिन कम से कम हम उनकी समस्या को जानते हैं और प्रयास करते हैं उनका समाधान करने का और उन लोगों के लिए जिनको हमसे कोई आशा नहीं है सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने परिवार के लिए या किसी जान पहचान के लिए करते तो उनकी आशाएँ आपसे जुड़ी होती हैं तो इसलिए वो उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना वो व्यक्ति होता है किसान जिसको हमसे कोई आशा नहीं है और जब हम उनके लिए जाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होता है तो मज़ा आता है काम करने में आप आईआईटी पास आउट हैं आप बिहार के रहने वाले हैं अभी उड़ीसा में कुछ साल से रह रहे हैं लेकिन ये फार्मिंग का कैसे आप सोचे इसमें हमने दो में जब हम कॉलेज में ही थे दो में फाइनल ईयर में जब थे अपने यहाँ तो उस समय हमारे दोस्त थे जो आई दिल्ली से पढ़े हुए थे और उन्होंने ही फ़ोन करके कहा कि हम लोग एक एग्रीकल्चर में कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं तो हम अकेले हैं अभी हमको कोई एक पार्टनर चाहिए जो इस काम में करे और जिसकी सोच विदेश जाने की नहीं होगी आई टी से पढ़ने का तो विदेश चलेंगे वैसा कोई चाहिए तो उनके दिमाग में मेरा नाम आया उन्होंने चर्चा किया हमसे और वहाँ से ये कृषि के क्षेत्र में ये काम शुरू हुआ मेरा था व्यक्तिगत कि हमको गाँव मतलब समाज के लिए कुछ करना है लेकिन कृषि के लिए करना ये हमारे मित्र का सुझाव था और उनके साथ ही हमने अपने गांव से ये काम शुरू किया था 2010 में आप इतने सालों से उड़ीसा में रह रहे हैं लेकिन ये ओडिशा में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या चैलेंजेस आप ये महसूस कर रहे हैं चैलेंज सब जगह वही हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपेक्षाकृत रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा लेबर मेहनत करना पड़ता है परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है और जो कि धीरे धीरे आजकल के किसानों की वो आदत खत्म हो गई है सब जगह पूरे देश में उड़ीसा में तो चैलेंज तो यही आपके पास कि लोग करना नहीं चाहते हैं लोग ऑर्गेनिक में आपको सारा जो जित जितना भी फर्टिलाइज़र है मेन्यूर है सब ऑर्गेनिक बनाना पड़ता है आपको खुद से बनाना है तब डालना है केमिकल में आपको रेडीमेड मिल जाता है तो बनाना कोई नहीं चाहता है वो चैलेंज सबसे बड़ा है अपॉर्चुनिटी उड़ीसा के लिए सबसे बड़ी कि एवरेज फर्टिलाइज़र कंजम्पशन जो है जो औसत यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है वो औसत से बहुत नीचे है देश से और पंजाब से तो अब मतलब शायद 20-25 परसेंट होगा तो यहाँ पे वो ऑलरेडी सेट है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने केमिकल अभी तक उपयोग किया नहीं है तो ये स्टेट जैसे सिक्किम आज के डेट में पूरा ऑर्गेनिक हो गया है लक्षद्वीप शासित प्रदेश वो ऑर्गेनिक हो गया है तो उड़ीसा के पास ये लीड लेने का एक समय है कि हम और केमिकल में ना जाने दें और यहीं से हम इसको लेके ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर सकते हैं और पूरा स्टेट एक ऑर्गेनिक स्टेट अगले दस वर्षों में पाँच वर्षों में हो सकता है ये जो बैक टू विलेज आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने लोग काम करते हैं और क्या आप जीरो ग्राउंड में जाकर किसानों के साथ काम कर रहे हैं बैक टू विलेज में सिंपल हमारा है कि किसानों के लिए उनको उनकी पूरी प्लानिंग मतलब आ, इट्स uh, uh, जो हम लोग बोलते हैं कि ऑल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ कि एक सेंटर पर आपको कृषि संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं उनका सब समाधान है। या सारे क्वेश्चन के जवाब सारा कुछ मिल जाएगा तो इसका जो आइडिया है कि गांव के कि किसी युवा को कोई जो युवक है उसको ट्रेन करना उसके यहाँ भी सेंटर इस्टेब्लिश करना और उसके माध्यम से एक सेंटर के माध्यम से चार से पाँच किसानों तक जुड़ना इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं एक तो जो सेंटर इस्टेब्लिश होता है उसकी एक इनकम हो जाती है उन किसानों के माध्यम से उनको बीज बेच के या अपना जो उत्पादन है वो बेच के और दूसरा होता है कि उसके माध्यम से हम चार पाँच सौ तो किसान तक हम अपनी बात को पहुंचा पाते हैं हम प्रशिक्षण दे पाते हैं उनको सारा सुविधा दे पाते हैं वर्तमान समय में ऐसे जो हम सेंटर चलाते हैं उसको उन्नत कृषि केंद्र बोलते हैं ऐसे दस उन्नत कृषि केंद्र हमारे अभी उड़ीसा में हैं जिनसे लगभग छः किसान यहाँ पर उड़ीसा में जुड़े हुए हैं टीम में लगभग चौदह लोग हमारे बैक टू विलेज के टीम में हैं और दस ऐसे जो सेंटर चला रहे हैं वो दस चौबीस ऐसे और कुल मिला लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग तीस लोग के आसपास होंगे टीम में जी मुझे तो लगता है आपको सभी ने ये क्वेश्चन शायद किया होगा कि अभी जो ट्वेंटी ट्वेंटी नया फार्मिंग जो बिल आया है मोदी जी की तरफ से वो उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा इसमें एकदम सीधी बात करें तो एक, एक शुरुआत है कम से कम क्योंकि कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ हो और दूसरा हो कि अगर कुछ हो रहा है तो गलत ना हो तो ये दोनों चीज़ों पर व्यक्तिगत रूप से हम निश्चिंत हैं कि एटलीस्ट कुछ हुआ है और इसमें किसानों के लिए कुछ गलत नहीं हुआ ऐसा मेरा सोच है क्योंकि जो एम एस पी की जो भी बात हो रही है वैसे भी केवल छः प्रतिशत लोगों का ही अनाज एम एस पी पे खरीदा जा जाता है एम एस पी कहने के लिए पेपर पे कुछ बाईस तेईस प्रोडक्ट उत्पादों के लिए प्रोडक्शन के लिए लेकिन केवल धान और गेहूँ दो ही चीज़ खरीदते हैं तो वैसे भी एम एस पी जो है जिसको बोलते हैं पैरालाइज्ड पहले से ही थी तो उसको ढोने से अच्छा है कि आपने एक पहल की है और एम एस पी हट नहीं रहा अभी भी सरकार बोले हट नहीं रहा है मार्केट ओपन हुआ ये पता मतलब ये सोचना चाहिए कि अब तक क्यों नहीं था ये तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मार्केट अब तक बंद क्यों था किसान क्यों बाध्य था कि अपना सामान मंडी में ही जाके बेचेगा तो ये तो अच्छी पाल है कि ओपन मार्केट हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लोगों की कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसान के विरोध में जाके कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकती है ये किसान को ही पता है कि ये कंपनी किसान पे केस करेगी तो फिर कंपनी कभी काम ही नहीं कर पाएगी किसान के साथ और ये संभव नहीं है और एसेंशियल आइटम का जो बिल है जो हमको लगता है उसमें थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि बिल्कुल ही कैप उस पर से लिमिट ना हटा के हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक कहीं पे वो उसको परमिशन लेना पड़े कि अगर आप 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 अगर हज़ार टन आप स्टोरेज कर, कर रही हैं उससे अधिक जब करना है तो आपको कलेक्टर से कहीं से परमिशन लेना पड़ेगा ताकि सरकार की निगरानी में रहे कि इनके पास स्टॉक ज़्यादा है अगर इमरजेंसी होता है तो वहाँ से ले सकते हैं तो फिर मनीष जी इतने साल से आप किसान से जुड़े हुए हैं किसान के लोगों के साथ काम कर रहे हैं ये जो नया किसान बिल आया है तो फिर इतना किसान इतने संख्यक और इतने स्टेट से किसान क्यों आज तक ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं देखिए जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो भी किसान हैं उनके तरफ से तो कुछ उन पर बोलना भी गलत है बहुत लोगों का ये वक्तव्य भी है कि किसान कार में क्यों आ सकता है इस पर व्यक्तिगत रूप से मेरी बहुत आपत्ति है कि क्यों नहीं आ सकता और यही मान सकता है कि लोग खेती में नहीं आ रहे हैं किसान है तो वो जींस भी पहन सकता है वो कार में भी जा सकता है वो मजदूर या ये नहीं है तो वो हम लोग को माइंड चेंज करना चाहिए तो जो किसान है उनकी हो सकता है कि कुछ समस्याएँ हैं एकदम मानना नहीं चाहिए कि नहीं है समस्या ऐसा भी नहीं मान सकते उनसे बातचीत हो रही है शायद अब सरकार ये जाने सरकार बात कर रही है लेकिन हमको लग रहा है कि जो दो स्टेट सबसे अधिक हैं पंजाब हरियाणा वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ के लोग कम से कम सक्षम हैं कि वो एम एस पी पे चीज़ों को बेच रहे हैं मंडी में वहाँ मंडी बहुत सशक्त है लेकिन हम जैसे जिस राज्य में काम कर रहे हैं बिहार उड़ीसा झारखंड यहाँ पे किसान आप किसी किसान से मिल के देखिए एम एस पी अट्ठारह रुपये सौ रुपये क्विंटल होगा धान का किसान गाँव में चौदह पंद्रह सौ रुपये क्विंटल बेच रहा है तो एक्चुअल में आप देखें तो कोई ज़्यादा किसान को तो कोई फर्क पड़ने ऐसे भी एमएसपी नहीं मिल रहा उसको लेकिन लोगों के मन में एक डर है तो वो डर हमको लगता है सरकार कोशिश भी कर रही है इस पर बट ना तो हम किसान मतलब सरकार के पक्ष में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं सरकार की तरफ से नहीं बोल सकते लेकिन हमको ये लगता है जरूर कि किसान को डरने की आवश्यकता नहीं है कोई भी सरकार हो सरकार किसान से जो बोलते हैं पंगा नहीं लेगी कि अगर सरकार एक बार ले ली तो ठीक है मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको आगे चुनाव ही नहीं लड़ना है तो चुनाव तो होते रहेंगे अगर आपने गलत किया तो जाएंगे तो इसलिए इसके बाद भी सरकार अगर इस पर अडिग है तो हमको लगता है कि किसानों को लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर गलत होता तो सरकार इतने आंदोलन के बाद पीछे हट जाती लेकिन बात है दोनों को मिलजुल के बातचीत करके और ये समाधान निकल जाएगा जी ये नया भारत है ट्वेंटी ट्वेंटी का जो मोदी जी का संदेश है और पूरा भारत ये मान रहा है कि नया भारत है लोगों को बदलना चाहिए उनका सोच भी बदलना चाहिए आप युवा पीढ़ी को ये फार्मिंग के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं मेरा बस यही है कि फार्मिंग या रूरल मतलब खेती जो चीज़ है हम लोग बात करते हैं बहुत तो नहीं लेकिन सच्ची है थोड़ा कि खेती एकमात्र मात्र ऐसा चीज़ है मतलब एक काम है जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं आप कुछ उगाते हैं आप एक बीज डालते हैं उसे सौ बीज लेते हैं बाकी जितने भी जो काम है उसमें आप कन्वर्जन करते हैं आप कन्वर्ट करते हैं कि आपने फैक्ट्री खोला तो आप एक चीज़ को दूसरा चीज़ में बना रहे हैं जो प्रोडक्शन होता है वो केवल फार्मिंग में होता है और इसमें जो खुशी मिलती है जब आप, आप कोई प्लांट लगाते हैं बढ़ते हुए देखते हैं तो वो खुशी किसी और काम में आपको नहीं मिल सकती है लोगों को युवाओं को डर लगता है कि शायद पैसा नहीं है आप आप जाइए गांव में आप जितने भी शिक्षित किसान हैं आप मिलिए है। अगर उसमें एक ने भी कह दिया कि किसान खेती में नुकसान है तो हम मान लेंगे शिक्षित लोग लॉस नहीं बना रहे हैं जो अशिक्षित हैं वही लॉस बना रहे हैं तो इसलिए कि उनके पास सूचना नहीं पहुंच रही है तो जब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग जाएंगे तो जो अपने साथ जो अशिक्षित या अशिक्षित भी नहीं बोलिए शिक्षित में भी अनअवेयर लोग हैं उन्होंने पढ़ाई तो किए लेकिन उनके पास सूचना नहीं पहुँच रही है तो अधिक से अधिक युवाओं को गाँव की तरफ जाना चाहिए जिनके पास गांव में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वो शहर में रहें आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है आपने एम बी ए कहीं से और आप गांव में क्या करेंगे आपको लगता है तो आप शहर में रहिए लेकिन आप मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं आप पंद्रह बीस हज़ार पच्चीस हज़ार की नौकरी कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि आप जाइए गाँव और गाँव में आजकल पैसे की कमी तो नहीं है अमीर नहीं है लोग अलग बात है लेकिन लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं गाँव में भी तीन सौ चार सौ ट्यूशन फी है अभी तो पढ़े लिखे लोग जाएँ और आप कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कुछ पैसे कमा सकते हैं खेती में आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम समस्या यही हो रहा है लिंक खत्म हो गया है सरकार की योजनाएं हैं रिसर्च हो रहे हैं सारे जो भी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेश्स हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं उनको गांव पे लेके जाने वाले लोगों की कमी है उसके लिए युवाओं को आना पड़ेगा आगे अगर हम नहीं आएंगे तो ठीक है हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को भेजते हैं या फिर अगली पीढ़ी को मजबूर करते हैं भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आप हमारे साथ जुड़े और इतने बात कहें मनीष जी मिसी जम सहित आलोचना गर्ुले जैविक कृषि प्रणाली जि आगामी दिन आस डिसेम्बर पचिसो छब्बिस ए भिपिर हेर्क राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर नागपुरले से प्रोफेसर यशवंत राव केलकर अवार्ड से मनोन हो अवारड आम सहित आलोचना बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर भुवनेसर क्यमेरा पर्सन सजीवको सहित स्वप्नाञ्जल महान्तको रिपोर्ट अर्गस न्यूज